हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चिकन शाही गोला कबाब। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। मैंने चिकन के ब्रेस्ट और थाई पीसेस को अच्छे से वॉश करके मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है। ये मिक्सचर बहुत ही ड्राई होना चाहिए, इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, इसलिए आप थोड़े थोड़े चिकन को बैचेस में मिक्सर में पीस सकते हैं। मैंने इसे इस तरह ड्राई पीस लिया है। अब मैं एक मसाला तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने एक पैन को हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 टेबलस्पून खसखस, 3/4 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी और इसका एक फ़ाइन पाउडर मुझे तैयार करना है। सभी चीज़ें हमारी भून गई है। इस तरह के चने हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसके छिलके उतार कर मैं इसमें 1/4 कप ऐड कर दूँगी। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसमें ये 1/4 कप चना ऐड करूँगी और हम इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। कीमे में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून दही। इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ऑप्शनल है, आपको अगर डालना है तो डालें। ये पाउडर जो हमने तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप फ्राइड ऑनियंस, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही से हमारे कबाब में मॉइस्चर आ जाएगा। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून घी। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम इस तरह से एक वेल बनाएंगे। हमने फॉइल पेपर से इस तरह की एक कटोरी बना ली है। कोयला हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इस तरह ये कोयला इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम तेल डालेंगे और इसको हम कवर कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए इस तरह कवर रखेंगे। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। अब मैंने इसमें से ये निकाल लिया है और इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। इस तरह हम एक पोर्शन लेंगे। अब हम ये इसमें इस तरह डालेंगे और इसे हम अच्छा राउंड शेप देंगे। इस तरह अब हम निकाल लेंगे। इस तरह हम सभी कबाब तैयार कर लेंगे। हमने इस तरह सभी कबाब तैयार कर लिए हैं। इस क्वांटिटी में आपके 16 कबाब बनेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन को हमने हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बटर। अब हम एक कबाब इस तरह फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कुक होने के बाद हम इसको पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
हम चारों तरफ से इसे सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हमारे सभी कबाब बनकर रेडी है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, इसे हमें सॉफ्ट और जूसी ही रखना है। गैस का फ्लेम अब हम बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे गोला कबाब बनकर रेडी है। ये सॉफ्ट और जूसी बने हैं। आप इसके ऊपर चाट मसाला और लेमन जूस डालकर सर्व कर सकते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।